कल वाले पावर पॉइंट टेस्ट का सॉल्यूशन करते हैं। ये न्यू पैटर्न पर बेस्ड है और इसके अंदर आपको कंटेंट टाइप करना रहता है। टाइप नहीं मिलेगा आपको, जैसे आपका AWTPO के अंदर हुआ था। तो सबसे पहले हम पावर पॉइंट को रन कर लेते हैं। प्यार से करेंगे सोल्व, विन प्लस आर प्रेस करेंगे, ठीक है। पावर PNT देन एंटर प्रेस करेंगे, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हमने इतना काम कर लिया। अब मुझे यहां पर दिख रहा है कि सबटाइटल भी मुझे ऐड करना है, तो मैं कौन सी स्लाइड लूंगा? जो बाय डिफॉल्ट आई थी आपकी, वही रखूंगा यहां पर, टाइटल और सबटाइटल वाली। फर्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, इंसर्ट टेक्स्ट विद वर्ड आर्ट। तो सबसे पहले आपको वर्ड आर्ट को इंसर्ट करना है। टाइटल को मैं डिलीट कर देता हूं, किसी काम का नहीं है ये। इंसर्ट पर क्लिक करते हैं, वर्ड आर्ट पर क्लिक करते हैं, कोई भी एक वर्ड आर्ट आप ले सकते हो। ऊपर ड्रैग करते हैं, अब इसको टाइप कर देते हैं, द कोतवाल्स। इसके अंदर आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, लेकिन वो बाद में करनी है आपको, जब आप सेट को टाइम से पहले कंप्लीट कर लो, ताकि आपकी PPT जो है वो अट्रैक्टिव दिखे यहां पर। नेक्स्ट है, यहां पर हाइपरलिंक आपको क्रिएट करना है और वेब एड्रेस आपको यहां पर गिवन है। तो हाइपरलिंक को मैं कॉपी कर लेता हूं, आपके सिस्टम में ये सेव मिलेगी। कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं इसको, सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल के करते हैं, एड्रेस के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे, देन इंडेक्स को हटा देंगे, ओके करेंगे, तो आपका हाइपरलिंक बन गया है। नेक्स्ट आता है यहां पर, ये बार बार में ओपन हो रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है फालतू का। अब सबटाइटल के अंदर आपको एक टेक्स्ट टाइप करना है, लेफ्ट अलाइन करोगे इसको टाइप करने के बाद। तो मैं इसको टाइप कर लेता हूं, द रिच लीगेसी ऑफ दिल्ली पुलिस इज मार्क्ड विद द हाईएस्ट सिटीजन सर्विसेज सर्विसेस। टाइप सही करना है आपको, फिर एंड का सिंबल लगाएंगे, सेक्रीफाइसेस फॉर एंश्योरिंग द नेशनल कैपिटल्स कैपिटल्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो ये हमने टाइप कर लिया, इसको लेफ्ट लाइन आपको करना है, लेफ्ट लाइन इसको कर देंगे, थोड़ा सा ऊपर कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आता है इंसर्ट शेप्स। मुझे यहां पर एक चीज समझ में आ रही है कि एग्जामिनर यहां पर शेप कहां पर इंसर्ट करवाना चाह रहा है, वो सब टाइटल के नीचे इंसर्ट करवाना चाह रहा है, इसलिए उसने नीचे मेंशन करी है। तो मैंने यहां पर इंसर्ट पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद शेप्स पर क्लिक किया, कोई भी एक शेप जो आप यहां पर इंसर्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो, एनी यहां पर बोल रखा है। तो ये काम हमारा कंप्लीट। अब बैकग्राउंड यहां पर चेंज करने के लिए बोला गया है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, तो कोई भी एक बैकग्राउंड आप यहां से चूज कर सकते हो। राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सॉलिड फिल ले लेते हैं यहां पर, या आप ग्रेडियंट फिल भी ले सकते हो, ये वाला पिक्चर फिल भी ले सकते हो, ये वाला पैटर्न फिल भी आप ले सकते हो, तो हम ग्रेडियंट फिल यहां पर ले लेते हैं। तो बैकग्राउंड स्टाइल हमने यहां पर अप्लाई कर दिया, फर्स्ट राइट पर काम हमारा हो गया है कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट, यहां पर आपको एक इंसर्ट करनी है टेबल, ये जो आपको दिख रही है ना टेबल, ऐसी कैसी आपको टेबल यहां पर इंसर्ट करनी है, प्लस में उस पर बुलेट्स आपको अप्लाई करने हैं। तो हम यहां पर क्या करते हैं, एक ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट कर लेते हैं, कर ली, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पर टेबल पर क्लिक करेंगे। दो कॉलम चाहिए हमें और रो कितनी है, 1 2 3 4 5, डन। अब यहां पर कंटेंट को टाइप कर लेंगे, स्टेट्स और यूटीज। फर्स्ट टैब प्रेस करते हैं, नेक्स्ट सेल के अंदर चलते हैं, पर लाख ऑफ पॉपुलेशन। अब यहां पर स्टेट के नाम डालते हैं, आंध्रा प्रदेश, फिर 141.06,
जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश, इसमें कितने हैं 10, 11.45। चलिए नेक्स्ट टाइप करते हैं असम, यहां पर कितने हैं 251.96, 97। आगे चलते हैं बिहार, इसके अंदर कितना है 115.26। ठीक है, अब मुझे यहां पर बुलेट अप्लाई करने हैं, तो मैं यहां पर बुलेट अप्लाई कर देता हूं। डन, ये काम हो गया कंप्लीट। चलिए अब चलते हैं स्लाइड नंबर 3 पर। स्लाइड नंबर 3 यहां पर क्या बोल रही है, ऊपर वाला जो डेटा, देखो कितना आसान हो गया आपके लिए। ऊपर वाला जो डेटा था आपको दिया था टेबल बनाने के लिए, इसी डेटा का आपको चार्ट क्रिएट करना, कोई भी। ठीक, पाई चार्ट यहां पर सबसे अच्छा रहेगा। और यहां पर स्लाइड नंबर 3 पर डिजाइन भी अप्लाई करना है, तो एक ब्लैंक स्लाइड लेंगे, ब्लैंक पर क्लिक करेंगे सबसे पहले, एक बाद में कर लेंगे, वो चार्ट इंसर्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूं यहां पर, ये यह हमारा थोड़ा मिसटाइप हो गया था। ठीक, डन, डेटा को कॉपी कर लेता हूं मैं कंट्रोल सी से, इंसर्ट पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद मैं यहां पर बनाऊंगा पाई चार्ट, पाई चार्ट पर क्लिक करेंगे, देन ओके करेंगे, पाई चार्ट आपका ओपन यहां पर हो जाएगा। अब ये डेटा हम क्या करते हैं, काट देते हैं, A1 पर क्लिक करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहां पर बन जाएगा। यहां पर ये जो सिंबल आ रहा है, सिंबल बुलेट की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो सिंबल हटा देते हैं, वहीं से हटा के कॉपी कर लेते हैं पहले, इसको हटा देते हैं यहां से। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, बाद में बुलेट अप्लाई कर देंगे यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहां पर एडिट कर लेते हैं डेटा को, ताकि ये जो सिंबल हमारा चार्ट के अंदर आ रहा है ये ना आए। सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहां पर A1 पर क्लिक करता हूं, देन कंट्रोल वी करता हूं, तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे चार्ट हमारा प्रिपेयर हो गया, इसको कट कर देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड इंसर्ट कर लेते हैं, और थर्ड स्लाइड पर हमें डिजाइन भी अप्लाई करना है, तो हम क्या करते हैं डिजाइन पर क्लिक करते हैं। एक डिजाइन आप ले सकते हो, कोई भी आप अप्लाई करना चाहो सिलेक्टेड स्लाइड पर क्लिक करके, ये काम हमारा कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको एक हायरार्की स्मार्ट आर्ट बनानी है। सबसे ऊपर स्टेट एंड ड्यूटी इंसर्ट पर मैं क्लिक करता हूँ, स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करता हूँ। हायरार्की स्मार्ट आर्ट आपको चाहिए है, ये वाली ले लेते हैं, ओके पर क्लिक करते हैं। अब आप ये जो आपको दिख रही है एक्स्ट्रा ही डिलीट कर देते हैं इसको। सबसे पहले आएगा आपका स्टेट्स, यूटीएस, ठीक है। फिर आता आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, फिर आएगा आपका यहां पर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट आता है यहां पर क्या, असम, ठीक है, इसको ऊपर करते हैं थोड़ा। एक और चाहिए मुझे, अब मैं इस वाली शेप पर क्लिक करता हूं, राइट क्लिक करता हूं, ऐड शेप पर क्लिक करता हूं, उसके बाद ही मुझे चाहिए ऐड शेप आफ्टर पर क्लिक करता हूं, तो एक शेप और इंसर्ट हो जाएगी आपकी। बिहार यहां पर डाल देते हैं, ठीक है, तो आपकी हायरार्की स्मार्ट आर्ट एक बन गई है। नेक्स्ट यहां पर क्या बोला गया है, कुछ नहीं है इसके ऊपर, तो अब स्लाइड नंबर यहां पर 4 नहीं थे, और पांचवी स्लाइड आएगी, 3 4, 4 के बाद पांचवी मिसटाइप। यहां पर पांचवी स्लाइड पर आपको क्या करना है, यहां पर 5 लिख देते हैं, ये आपकी पांचवी स्लाइड है, ठीक है, फोर्थ नहीं है। क्लिप आर्ट आपको एक इंसर्ट करनी है, और पिक्चर आपको एक इंसर्ट करनी है,
तो एक न्यू स्लाइड लेते हैं, ब्लैंक स्लाइड, क्लिप आर्ट लेंगे, कोई भी आप लगा सकते हो, एनी बोला गया है, ऑनलाइन पिक्चर्स पर क्लिक करते हैं। इनमें से कोई भी आप एक क्लिप आर्ट लगा सकते हो। डन। नेक्स्ट काम है जो पिक्चर हमें प्रोवाइड करवाई गई है वो पिक्चर यहां पर लगाना। इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, वो पिक्चर शायद मेरे पास अवेलेबल नहीं होगी, होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो कोई दूसरी लगा देंगे। डाउनलोड्स पर क्लिक करते हैं, ठीक है, ये कौन सी पिक्चर है, ये नहीं, वो पिक्चर अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो और कोई सी लगा देते हैं, वही सेम प्रोसेस है। ठीक है, तो ये पिक्चर जो आपको दी गई थी ये तो नहीं थी, मैंने दूसरी लगाई है, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है भाई। तो ये काम हो गया कंप्लीट, टोटल हमारी 5 स्लाइड यहां पर बन गई। नेक्स्ट यहां पर चलते हैं, अब आपको हेड लगाना है दिल्ली पुलिस कमीशन के नाम से। इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, हेड एंड फुटर पर क्लिक करेंगे, फुटर क्या बोला गया है, नेम विद रोल नंबर, दिखाते हैं आपको नेम विद रोल नंबर, जैसे सोनिया और फिर बाद में रोल नंबर, रोहित, ये रोल नंबर हो गया मान लीजिए। स्लाइड नंबर पर क्लिक करते हैं, अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करेंगे, यहां पर नोट्स एंड हैंडआउट्स के अंदर हम हेडर यहां पर लगाएंगे, फुटर यहां पर लगाना चाहो तो लगा सकते हो, अदरवाइज कोई यहां पर नीड भी नहीं है। ठीक है, हेडर यहां पर क्या है, दिल्ली पुलिस कमीशन, ठीक है, अप्लाई टू ऑल करेंगे तो आपके हेडर एंड फुटर और स्लाइड नंबर लग गए हैं। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन क्या है, ये वाला बच गया, प्रिंट हैंडआउट आपको निकालना है, यहां पर 4 स्लाइड्स होने सिंगल पेज, तो हम यहां पर इंसर्ट पर क्लिक करते हैं, ना इंसर्ट पर क्लिक क्यों करेंगे, फाइल पर क्लिक करेंगे, प्रिंट पर क्लिक करेंगे, प्रिंट पर क्लिक करने के बाद आपको 4 स्लाइड्स होने सिंगल पेज वाला यहां पर लेआउट सेलेक्ट कर लेना है और फिर देन इसका प्रिंट आउट हम लेंगे। क्या हो गया, अरे चल जा मित्र, तो इसका एक बार ओपन हो जाता है, तो ये था इसके अंदर नॉर्मल सा सेट है, कुछ नहीं है, सिस्टम हमारा रुक गया है यहां पर, क्या दिक्कत है यार। तो यहां पर कोई दिक्कत आ गई, कंटेंट बहुत ज्यादा हो गया। प्रिंट पर जब हम क्लिक करेंगे तो वहां से आपको प्रिंट लेआउट को सिलेक्ट कर लेना है, 4 स्लाइड्स और सिंगल पेज, तो 4 स्लाइड्स आपकी एक पेज पर निकल जाएंगी, ये हमारे पास ओपन हो गया है, 4 स्लाइड्स और सिंगल पेज, ठीक है, तो आपके पास टोटल यहां पर 2 पेजेस बन जाएंगे। ठीक है, वैसे तो यहां पर मेरे हिसाब से रॉन्ग दे रखा था, 4 स्लाइड्स और सिंगल पेज यहां पर आप यूज कर सकते हैं, आपको यहां पर बोला गया आपको तो 4 स्लाइड्स और सिंगल पेज ही लेना है, एक ही पेज पर हम डेटा निकाल सकते हैं, यहाँ पर 6 स्लाइड्स हॉरिजॉन्टल लेकर, तो यहाँ पर एक ही पेज पर आपका डेटा निकलेगा, देन आप इस पर प्रिंट अपना साइन वगैरह कर सकते हो। अब अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ पर अपना यहाँ पर जाइए और फॉर्मेटिंग कर सकते हो थोड़ी बहुत, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो कंप्लीट टेस्ट, जय हिंद जय भारत।